ब्रेकिंग न्यूज, आज की बहुत ही बड़ी खबर कोविड 19 से जुड़े 10 बड़े अपडेट जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कुछ इस तरह से। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। शनिवार दोपहर तक कोरोना वायरस से कुल 279 यानी कि 279 लोगों की संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है और 4-5 लोगों की मौत भी हो गई है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है जहाँ 63 लोग संक्रमित हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे नंबर पर यूपी है। इसी बीच शनिवार को नोएडा में एक और मामला सामने आया है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना का डर और भी बढ़ गया है। आइए देखते हैं कोरोना को लेकर 10 बड़े अपडेट। नंबर एक, नोएडा में मिला एक और मरीज। दिल्ली से सटे नोएडा की एक सोसाइटी में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद सोसाइटी को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। अब यहाँ कोई अंदर आ सकेगा ना कोई बाहर जा सकेगा। यह मामला नोएडा सेक्टर 74 की केप टाउन सोसाइटी का है। सोसाइटी को बंद करने के आदेश डीएम की तरफ से आया है। नोएडा में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 5 हो गई है। नंबर दो, शुक्रवार को एक दिन में सबसे ज्यादा मामले। शुक्रवार को कोरोना वायरस से भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को कुल 57 यानी कि 57 नए मामले सामने आए जो एक दिन का भारत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। केरल में शुक्रवार को एक दिन में सबसे अधिक 12 मामले सामने आए। नंबर तीन, सरकार ने अस्पतालों के तैयार रहने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार ने कोरोना को देखते हुए शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उसने सभी अस्पतालों और मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कहा है कि वह कुछ बेड अलग करे और आइसोलेशन सुविधा देने के लिए तैयार रहे। सरकार ने एडवाइजरी सरकार और निजी दोनों, सरकारी और निजी दोनों ही तरह अस्पतालों के लिए जारी किए हैं। नंबर चार, कोरोना के चलते 709 ट्रेनें रद्द। भारतीय रेल ने शनिवार को 709 ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं जिसमें 584 रेलगाड़ियां पूरी तरह रद्द की गई हैं जबकि 125 ट्रेनों को आशंका रूप से कैंसिल किया गया है। इसके अलावा कल जनता कर्फ्यू के दिन 3700 ट्रेनें कैंसिल हैं, वहीं 1000 उड़ानें भी रद्द हैं। नंबर पाँच, मुंबई नागपुर पिपली पुणे में कर्फ्यू जैसे हालात। कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है जहां 50 से भी अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई नागपुर पिपली और पुणे में जरूरी चीज़ें छोड़कर बाकी सारी दुकानें 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते इन चारों शहरों में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। नंबर छः, योगी का मंत्रियों को आइसोलेशन का निर्देश। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वह जनता दरबार में ना जाएं और खुद को आइसोलेशन में रखें। बता दें कि गायिका कनिका कपूर की पार्टी में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए थे। नंबर सात, यूपी में तेज संक्रमित न हुए ठीक। योगी आदित्यनाथ के अनुसार यूपी में अब तक 23 लोग संक्रमित हो चुके हैं जिनमें से 9 लोग सही हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन वार्ड हैं। नंबर आठ, नोएडा में कंपनियों बंद करने और वर्क फार्म होम की मांग। नोएडा में कोरोना का 5वां मामला मिलने के बाद नोएडा के लोगों ने प्राइवेट कंपनियों को पूरी तरह बंद करने और वर्क फार्म होम की सुविधा देने के लिए आवाज़ उठाई है। कुछ कंपनियां पहले से ही वर्क फार्म होम की सुविधा दे रही हैं लेकिन कुछ कंपनियां अभी भी वर्क फार्म नहीं दे रही हैं। नंबर नौ, एक और बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। जनगणना और एनपीआर में देरी। कोरोना वायरस की वजह से सेंसस और एनपीआर में भी देरी होने की संभावना जताई जा रही है। सेंसस और एनपीआर का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होकर सितंबर तक चलना था लेकिन कोरोना वायरस के चलते ऐसा लग रहा है कि इसमें देरी हो सकती है। एक और बहुत ही बड़ी खबर, नंबर 10, इटली में मरने वालों की संख्या 4000 के पार। चीन के बाद कोरोना वायरस से सबसे अधिक इटली प्रभावित हुआ है। इटली में अब तक 4000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 47000 लोग संक्रमित हो गए हैं।
अभी अभी का बहुत ही बड़ा अपडेट, कोरोना वायरस से देश के 21 राज्यों में 279 से बढ़कर 294 मरीज हो गए हैं। बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, 15 मामले और सामने आ चुके हैं। तो गाइड्स, आगे की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हम आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे। तो गाइड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग सतर्क रह सकें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल ऑनलाइन रोजगार को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।